अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव जो खड़ा होते हैं वो 35 से 40 हजार वोट MOID का काट ले जाते हैं। पहले तो अपने दर्शकों को ये बात हम बता देते हैं कि साधु यादव चुनाव वहाँ फाइट करने जा रहे हैं। पालगंज में पिछले 15-20 सालों में जो चुनाव हुआ है ना वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम हुआ है। कारण है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट 60 हजार के आसपास है। दूसरा, आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के कहने पे वो चुप हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। आपको याद है ना 9 दिसंबर को शादी हुई थी तेजस्वी यादव को, और 11 दिसंबर से क्या बवाल मचा था बिहार में कि हर बार चुनाव होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे, लेकिन इस बार चुनाव होगा या तो राजपूत वर्सेस राजपूत नहीं तो राजपूत वर्सेस भूमिहार। 2 दिन पहले तक, कल तक आप मान लीजिए, मंजीत सिंह का नाम बहुत तेजी से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, हम उस नाम को काट नहीं रहे। मंजीत सिंह वही जो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से हराए थे, वही मंजीत सिंह जो जब नाराज हुए थे तो पूरा राजपूत लॉबी, लेसी सिंह, संजय सिंह, जितने JDU के बड़े नेता हैं उनको मनाने चले गए थे। नीतीश जी से वीडियो कॉल पर बातचीत, जय कुमार सिंह भी, पूर्व मंत्री, दिनारा के पूर्व विधायक, सभी लोग गए थे वहाँ कि मुकामा से तो तय हो गया कि नीलम देवी लड़ रही हैं, नीलम देवी राजद के सिंबल पर लड़ेंगी, ये भी तय हो गया। जिनका नाम अभी शायद चर्चे में नहीं है लेकिन हम दर्शकों को सबसे पहले हम ही लोग बता देते हैं, देखिए आदित्य शंकर शाही भूमिहार जाति से हैं, JDU के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष, और गोपालगंज सदर के जो 3 प्रखंड हैं, चाहे आप उचका गांव कह लीजिए, थावे कह लीजिए या गोपालगंज शहरी कह लीजिए, तीनों प्रखंड के किसी भी गली में आप जाइएगा तो वहां पर आपको साधु यादव, अनिरुद्ध प्रसाद यादव उनका ऑफिशियल नेम है, उनके नाम का आपको बोर्ड बैनर मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेशपुरी। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि गोपालगंज की सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सीट पर महागठबंधन ने आज तक, कहें तो पिछले 15 सालों में विजय प्राप्त नहीं की है। लालू नीतीश मिलकर भी सुभाष सिंह, जो कि निधन हो गया, जो पूर्व विधायक थे, उनको हरा नहीं पाए, और सुभाष सिंह वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं, हारे भी तो दूसरे स्थान पर, और 2005 से लगातार झंडा गाड़ते रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि यहाँ पर मामा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मामा यानी कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव, आपको बताते चले 2020 के चुनाव में RJD के उम्मीदवार को भी पीछे पछाड़ते हुए साधु यादव ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। एक फैक्टर है जो महागठबंधन की राह में रोड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, हम चर्चा करेंगे गोपालगंज सीट के जातीय समीकरण की, साधु यादव की भूमिका की, और क्या इस बार BJP के लिए पहले जैसा रन रहने वाला है या फिर उतार चढ़ाव का रन बनेगा गोपालगंज सीट। उदित, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सुभाष सिंह का निधन हो गया, उनकी पत्नी लड़ रही है चुनाव, लेकिन JDU और RJD एक साथ हैं, 2015 में भी साथ थे लेकिन विजय नहीं प्राप्त किए, कारण रहे हैं रोड़ा के रूप में कहें साधु यादव, किस तरह देखते हैं आप साधु यादव? देखिए, साधु यादव से मेरी आज ही बात भी हुई है, तो पहले तो अपने दर्शकों को ये बात हम बता देते हैं कि साधु यादव चुनाव वहाँ फाइट करने जा रहे हैं, ये एकदम पक्के तौर पे, कोई सूत्र नहीं, सीधे मेरी नेताजी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे इसका अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है, कल साक्षात्कार भी उनका हो जाएगा, तक और भी जो बातें हैं, इनसाइड स्टोरीज जो है वो हम आपके सामने ले आएंगे। और बड़ा रेलेवेंट फैक्टर हैं साधु यादव गोपालगंज विधानसभा को लेकर, कारण समझिए आदेश जी कि साधु यादव की जो छवि पटना में है, पटना में है, यहाँ के लोगों में है, यहाँ के मीडिया हाउसेस में है, या फिर यहाँ के आम जो जनमानस है उसमें है, और एक छवि उनकी गोपालगंज में है, मतलब गोपालगंज सदर सीट, साल 2000 से लेकर 2005 के फरवरी तक वो विधायक भी रहे हैं उस क्षेत्र से, मतलब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। और गोपालगंज सदर के जो 3 प्रखंड हैं, चाहे आप उचका गांव कह लीजिए, थावे कह लीजिए या गोपालगंज शहरी कह लीजिए, तीनों प्रखंड के किसी भी गली में आप जाइएगा तो वहां पर आपको साधु यादव, अनिरुद्ध प्रसाद यादव उनका ऑफिशियल नेम है, उनके नाम का आपको बोर्ड बैनर मिल जाएगा। मतलब इतना काम उन्होंने किया है गोपालगंज में कि भूमिहार ब्राह्मण से लेकर और मुसलमान, जिनकी संख्या करीब 60 हजार के आसपास है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में, और जो चमार जाति के लोग हैं, इन सब के बीच एक पकड़ रखते हैं साधु यादव। यही कारण रहा ना कि 2020 के विधानसभा में 41 हजार कुछ वोट लाए थे वो, और निर्दलीय लड़के अगर किसी विधानसभा में आप 40 हजार प्लस वोट ला रहे हैं दूसरे स्थान पर, बिल्कुल दूसरे स्थान पर अगर आप आ जा रहे हैं, तो मतलब आप वहाँ पे कुछ मायने तो रखते हैं। जनता ऐसी नहीं है कि अचानक से आपको इतना वोट देगी। और 2015 का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 36 हजार वोट, 2010 का देख लीजिए, 2005 का देख लीजिए, तो हर समय। और राजद की तरफ से जो प्रत्याशी रहे हैं रियाजुल हक राजू, वो 2005 के फरवरी से अक्टूबर तक विधायक रहे, बीच में तो कुछ महीना राष्ट्रपति शासन भी लगा था, बूटा सिंह आपको याद होंगे,
और उसके बाद से वो 5 नवंबर हारे, 10 हारे, 15 हारे, 20 हारे। उनके हारने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही साधु यादव है। और साधु यादव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझिए, जातीय अगर गणित को समझा जाए गोपालगंज विधानसभा सीट के, कि क्या वहाँ पर कास्ट फैक्टर है, और बिहार में इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ, हालांकि मेरे हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो इस बात को लेकर खफा भी हो जाते हैं कि उदित नारायण जाति की बात कर रहा है। भाई उदित नारायण जाति की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरी बिहार उसकी बात कर रहा है, पूरा चुनाव उसका बात कर रहा है। नीतीश कुमार दलित महादलित की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा पिछड़ा की बात कर रहे हैं, कहे जाते हैं। भाजपा उसकी बात कर रहा है, उसकी बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। MOI समीकरण, MOID समीकरण, दलित भी इसमें जुड़ा हुआ था। तो ये तो जमाने से ये बात चली आ रही है। जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर तमगा लगा के ब्राह्मणों के नेता हैं। तो उदित नारायण कोई नया बात नहीं कर रहा है, और इस बात को आप भी जानते हैं। तो जातीय गणित अगर समझे हम गोपालगंज के आदेशी कि वहाँ का क्या फैक्टर है, तो चलिए पहले आंकड़ों से हम समझा देते हैं कि किस जाति की कितनी वोट है गोपालगंज विधानसभा सीट में। अब देखिए, राजपूत कैंडिडेट रहे हैं सुभाष सिंह, हिंदू हैं। हाँ, गोपालगंज के बारे में एक चीज़ बता देते हैं पहले, कि गोपालगंज में पिछले 15-20 सालों में जो चुनाव हुआ है ना, वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम हुआ है। कारण है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट 60,000 के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, मतलब विधायक बना देने का संख्या है। तो अब समझ लेते हैं जातीय गणित क्या कहता है। राजपूतों की संख्या विधानसभा सीट में गोपालगंज सदर के करीब 30 से 35 हज़ार है, ब्राह्मण भी 25 से 30 हज़ार हैं। कायस्थ जो कि शहरी क्षेत्र है, अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में कैस्ट वोटर नदारद रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में उनकी आबादी है। तो गोपालगंज चूंकि शहर का है इसलिए 12,000 वोट है। भूमिहारों की बात कीजिए तो वो भी 10 से 12,000 के आसपास है। वैश्य समुदाय जो कि कैडर वोटर हैं बीजेपी के, बनिया हुए, साहू हुए, तेली हुए, जो वैश्य समाज है, उनकी संख्या 30 से 35 हज़ार है। यादव वोटर 40 से 45 हज़ार हैं। मल्ला यानी जो बिंद हुए, केवट हुए, ये जाति जो सहनी हुए, इनकी संख्या 10,000 है। दलित में अगर आप बात कीजिए तो आप चमार की बात कर लीजिए, दुसाद की बात कर लीजिए, दुसाद नहीं, पासवान अलग होंगे, फिर पासवानों की संख्या भी यहाँ पे 10,000 के आसपास है। दलित में आप सब ओवरऑल बात कीजिए तो ये 25 से 30 हज़ार के आसपास है, ठीक है। इसके बाद मुसलमान मतदाताओं की बात कीजिए तो ये करीब 50 से 55 हज़ार के आसपास है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 55,000 मुसलमान के वोट को जोड़ लीजिए, और 45,000 अगर यादव के वोट को जोड़ लीजिए, और 25 से 30 हज़ार अगर आप दलित के वोट को जोड़ लीजिए, तो MYD तीनों को जोड़ने पर करीब करीब 1,25,000 वोट हो रहा है। अब सोचिए अगर 1,25,000 वोट एक तरफ गिरे तो आपको नहीं लगता है कि वो प्रत्याशी जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा, लेकिन इसके बावजूद रियाजुल हक राजूरा हार जाते हैं। कारण क्या होता है, आपने जिक्र किया ओपनिंग रिमार्क में, आपने बताया भी कि 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष सिंह जीत गए, लालू नीतीश साथ थे तब भी जीत गए। 2020 का विधानसभा चुनाव हमको याद है, हम कवर भी किए थे वहाँ, आप भी हमारे साथ थे, गोपालगंज हम लोग गए थे। बहुत एंटी इनकम्बेंसी था सुभाष सिंह के खिलाफ, लोग एकदम खिलाफत में थे, लेकिन इसके बावजूद जीत गए। कारण बस वही होता है कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव जो खड़ा होते हैं वो 35 से 40 हज़ार वोट MYD का काट ले जाते हैं, क्योंकि बसपा के टिकट पर लड़ रहे हैं तो दलित वोट भी उनको गिर रहा है, मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। उधर तो एक रुकना चाहूँगा, आप जैसा बता रहे हैं कि साधु यादव जो हैं वहाँ पर बहुत बड़े एक फैक्टर हैं, जो कि महागठबंधन के न जीतने का कारण भी हैं। ऐसे में इस बार जदयू राजद साथ में है, कौन हिम्मत करेगा आखिर लड़ने का इससे, हाँ, यहाँ पर उम्मीदवारी खड़ा करने का। देखिए पिछले 20 दिनों से जो हमारी बातचीत गोपालगंज के लोकल लोगों से हो रही है, वहाँ के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं उनसे हो रही है, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी हो रही है, JDU राजद सभी लोगों से बात जो हुई है, जो टिकट जाने का संभावना है, पहले पार्टी पे समझ लीजिए कि मुकामा से तो तय हो गया कि नीलम देवी लड़ रही हैं, नीलम देवी राजद के सिंबल पर लड़ेंगी, ये भी तय हो गया है। तो एक सीट जब राजद लड़ रही है तो ये नैसर्गिक बात है, गठबंधन का अगर हम बात ना भी करें तय माना जाना चाहिए कि JDU को वो सीट जाएगी। और खबरें भी यही हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो कंटेस्ट करने जा रहा है गोपालगंज बाई इलेक्शन। अब समझिए गोपालगंज में प्रत्याशी कौन होगा। दो दिन पहले तक, कल तक आप मान लीजिए, मंजीत सिंह का नाम बहुत तेजी से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, हम उस नाम को काट नहीं रहे। मंजीत सिंह वही जो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से हराए थे, वही मंजीत सिंह जो जब नाराज हुए थे तो पूरा राजपूत लॉबी, लेसी सिंह, संजय सिंह, जितने JDU के बड़े नेता हैं उनको मनाने चले गए थे, नीतीश जी से वीडियो कॉल पर बातचीत, जय कुमार सिंह भी, पूर्व मंत्री दिनारा के पूर्व विधायक, सभी लोग गए थे वहाँ पर। तो आप समझिए मंजीत सिंह का चलता तो है पार्टी में, नीतीश कुमार वीडियो कॉल पर जिस नेता को मना है, वो नेता छोटा तो हो नहीं सकता है आदेश जी, तो मंजीत सिंह की दावेदारी है वहाँ पर, और ये दावेदारी खुद पार्टी उनको दे रही है। लेकिन एक और खबर है कि हो सकता है निकट भविष्य में बैकुंठपुर सीट खाली हो जाए, वहाँ के जो राजद के विधायक हैं उन पर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है,
अयोग्यता को लेकर वहाँ का जो पूर्व विधायक है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने केस कर रखा है, तो मंजीत सिंह बैकुंठपुर पकड़े रहना चाह रहे हैं। और अब तो उनके पास क्लियर मैंडेट है भाई कि हम तो अब जेडीयू अलग हो चुकी है भाजपा से, अब तो कोई पेंच भी नहीं फंसेगा कि बीजेपी को सीट जाएगा कि जेडीयू को जाएगा, वो जेडीयू वर्सेज बीजेपी ही होगा, मंजीत सिंह वर्सेज मिथिलेश तिवारी ही होगा। तो इसलिए अब शायद पैर पीछे खींच सकते हैं मंजीत सिंह। लेकिन इन सब के बावजूद जदयू के सामने तो वही समस्या है, आखिर जदयू वहाँ से लड़ेगी तो आरजेडी का ही वोट ट्रांसफर होगा, लेकिन उसमें फिर रोड़ा बन रहे हैं साधु यादव, इसको कैसे मैनेज आखिर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कैसे मैनेज करेंगे? बता रहे हैं। और उससे भी पहले एक थोड़ा सा और इसमें पर एंडिंग कर दूं पहले, तो मंजीत सिंह फैक्टर समझ गए। अब अगर मंजीत सिंह पीछे होते हैं तो एक और नेता है जिनका नाम अभी शायद चर्चे में नहीं है, लेकिन हम दर्शकों को सबसे पहले हम ही लोग बता देते हैं। देखिए, आदित्य शंकर शाही भूमिहार जाति से हैं, जेडीयू के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं। मेरी बात उनसे भी हुई, हालांकि उन्होंने दावेदारी पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और आदित्य शंकर शाही का बैकग्राउंड समझ लीजिए, भूमिहार है, बहुत पैसे वाले हैं, मतलब खानदानी, ऐसा नहीं है कि कोई नया धन अर्जन हुआ है, खानदानी जमींदार फैमिली से है, और जनता दल यूनाइटेड के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं, और ललन सिंह के बेहद करीबी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे हटेंगे। अगर मंजीत सिंह नहीं लड़ते हैं चुनाव, खुद से पैर पीछे खींच ले रहे हैं, तब फाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आदित्य शंकर शाही वर्सेस कुसुम सिंह। कुसुम सिंह मतलब बीजेपी में सुभाष सिंह, स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी जो है, जो वहाँ से चुनाव लड़ रही है। एक और मजेदार बात, फिर आते हैं आपके सवाल पर, कि हर बार चुनाव होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे, लेकिन इस बार चुनाव होगा या तो राजपूत वर्सेस राजपूत, नहीं तो राजपूत वर्सेस भूमिहार, और बहुत मजेदार चुनाव होगा गोपालगंज का। अब आपके सवाल पर आते हैं कि सुभाष साधु यादव को कैसे टैकल करना है। देखिए, साधु यादव को टैकल करना एक ही तरीका है, वो टैकल सिर्फ उनके बहन और बहनों ही कर सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के कहने पर वो चुप हो जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। आपको याद है ना, 9 दिसंबर को शादी हुई थी तेजस्वी यादव को, और 11 दिसंबर से क्या बवाल मचा था बिहार में, वो इंटरव्यू मैंने भी किया था जाकर, तमाम मीडिया चैनल्स ने किया था, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था साधु यादव ने, सभी बातें उन्होंने कह दिया था जो नहीं कहना चाहिए था। और वो कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था, वो परिवार का लड़ाई था, इसलिए इतनी बातें निकली सामने आकर। तो उनको शांत कराने का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। कैसे करेंगे, अब तो पार्टी में भी नहीं है, संबंध भी बहुत खराब हो चुका है, आना जाना भी सुनते हैं कि नहीं होता है, तो अब क्यों कोई भाई जो है अपना करियर दाव पर लगाएगा बहन के कहने पर? कि आना जाना हमारे परिवार में भी, आपके परिवार में भी कई लोगों का कैसा बंद रहता है, लेकिन जब रिश्ता होता है ना, और भी जीजा और साला का जो रिश्ता होता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो कई सालों तक बंद रहता है, लेकिन फिर उसको रिवाइव करवा दिया जाता है, वो रिवाइव हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साधु यादव पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि आज अगर हम साधु यादव की चर्चा कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी गोपालगंज में वो एक रेलेवेंट फैक्टर है। तो फिर कैसे जदयू का पार लगेगा इलेक्शन? ये जदयू का पार, इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा हारेगा, इस पर अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात अब कही जा सकती है और पक्की तौर पर कही जा सकती है कि साधु यादव जो हैं वो अगर इस बार बैक हुए, यानी चुनाव नहीं लड़े गोपालगंज का, तो अगले चुनाव में उनका जिक्र भी नहीं होने वाला है, और आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी इतने भी बूढ़े नहीं हो गए हैं कि 10 साल 20 साल राजनीति नहीं कर सकें, तो आज नहीं तो कल जेडीयू या आरजेडी ही उनको बुलाकर कहेगी भाई टिकट ले लो, गोपालगंज से चुनाव लड़ जाइए आप, और सीट कम से कम एक आए महागठबंधन के पास, नहीं तो वो बीजेपी को जिताने के लिए आप कह सकते हैं, या फिर राजद और जदयू को हराने के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। परिस्थितियाँ तो अभी वैसी ही हैं, तो अभी क्यों नहीं कर रही है राजद या जदयू की साधु यादव को इनवाइट कर ले कि आप आइए, और कम से कम जो दरवाज़ा बंद है गोपालगंज में वो खुले, कम से कम साधु यादव उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं, और उनके रहते हुए मुश्किल है जदयू और आरजेडी का वो दरवाज़ा खुलना। देखिए, एक बात ऐसे भी आप समझिए ना, लॉजिकली समझिए कि मुकामा की सीट अगर नीलम देवी लड़ी राजद के सिंबल पे, तो वो लगभग सुनिश्चित जीत है राजद का। राजद को जो सीट मिला वो तो जीत रहा है। गोपालगंज जब 4 बार हार गया राजद, और रियाजुल हक राजू को तभी टिकट देते रहा, हालांकि वहाँ से और भी प्रत्याशी है, मोहन गुप्ता का नाम भी चल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो अब तो वो सीट जेडीयू को जा रही है, जेडीयू हारे या जीते इसे राजद की संख्या पर थोड़े कोई फर्क पड़ने वाला है। राजद का संख्या वैसे भी अब एक बढ़ने वाला है, क्योंकि मुकामा जीत जाएंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगा उनका। तो अब राजद को बहुत लेना देना भी नहीं रहेगा गोपालगंज सीट से। लेना देना की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद जो है वो सुधाकर सिंह की बलि ले लेते हैं नीतीश को खुश करने के लिए, तो यहाँ पर भी तो नीतीश को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो। देखिए, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि साधु यादव इनके कंट्रोल में नहीं है, ये बात जब हम जान रहे हैं, लालू परिवार जान रहा है, तो नीतीश कुमार को भी इस बात से अवगत है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी इस बात की।
तो इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने वाला मामला है नहीं। हाँ, लेकिन एक जगह पेच फंस सकता है अगर ये सीट आरजेडी को गया। खैर, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो हम आज ही रिलीज भी कर देंगे वो वीडियो शाम तक। तो उसका इंतजार कीजिए कि आप किस कंडीशन में शादी यादव बैक हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत। लेकिन अभी आप यही समीकरण समझिए कि 2000, एक और आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रख ही देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि 2000 से लेकर और 2020 तक किन किन पार्टियों का वहाँ पर बोलबाला रहा है। अब देखिए, चर्चा के अंतिम में ही इसका जिक्र कर रहे हैं। 2000 में गोपालगंज से जीते थे साधु यादव, सेकंड रनर अप रहे थे सुभाष से। 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें जीते रियाजुल हक राजू, वही एक बार जो जीते थे। और फिर 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें सुभाष सिंह जीते, और तब से अभी तक सुभाष सिंह जीते आए हैं लगातार, यही गणित है। तो पूरी तरीके से साधु यादव वहाँ पर एक बहुत रेलेवेंट फैक्टर है, हमारे दर्शक इस बात को समझ लें। और वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन होगा तीनों प्रखंड से, उचका गांव, थावे और गोपालगंज, रत्नेश हम पहुँचे हुए हैं रिपोर्टर, पब्लिक ओपिनियन भी आपके सामने हम लाएंगे। गोपालगंज की ग्राउंड रियलिटी जो है, वहाँ के जो ऑडियंस है, वहाँ का जो वोटर है, मतदाता है, वो क्या चाह रहा है इस उपचुनाव में, वो तमाम खबरें आप तक हम पहुँचाएंगे। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो आपका सवाल है जो अधूरा रह गया कि साधु यादव को मैनेज कैसे किया जाएगा। चलिए, तो मामा बताएं आपको कि मामा जो हैं वो गोपालगंज में एक दीवार की तरह खड़े हैं, और उनके रहते हुए राजद को पार पाना, गोपालगंज सीट जीत पाना एक बहुत ही मुश्किल एक साबित हो रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आखिर आरजेडी खड़ा हो और साधु यादव नहीं लड़ें, क्या हो सकता है, ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल तार्किक जो तथ्य हैं वो आपको रखेंगे कि किन परिस्थितियों में साधु यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये परिस्थिति तभी आ सकती है जब राजद वहाँ पर लड़े, तो उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर जदयू लड़ती है वहाँ से, तो साधु यादव एक बहुत बड़ी चुनौती जो कि साबित होने वाले हैं, और वो ऐसी चुनौती हैं जो कि महागठबंधन के वोट में ही सेंधमारी करता है। तो अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने कमेंट भी दें हमें, आपको क्या लगता है गोपालगंज सीट को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।